हमने पहले बात करी फ्रेंच रिवॉल्यूशन और आइडिया ऑफ द नेशन के बारे में। अब इस टॉपिक में हम कवर कर रहे हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जो हमारा जर्मनी है, इटली है, स्विट्जरलैंड है, आज हम इन कंट्रीज को जैसे जानते हैं, पहले ये सब जो है राज्य में, डचीज में या कैंटन्स में डिवाइडेड थे। राज्य आप जानते ही है, डचीज मतलब जहाँ ड्यूक्स होते हैं, या कैंटन्स जहाँ पर अलग अलग पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रूल के लिए जगह को बांट दिया जाता है। वहां पर क्या था, रूलर्स थे और जो पूरी तरीके से उन्हीं का राज्य था, कोई उनके ऊपर कंट्रोल नहीं था, तो ये सब क्षेत्र उसमें आते थे। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो है वहां पर भी इसी तरीके की तानाशाही थी और उस टेरिटरी के अंदर अलग अलग तरीके के लोग रहते थे। वो जो लोग रहते थे वो ऐसा नहीं लगता था उनको देखे कि सब जो है एक ही जैसे जैसे सबकी पहचान है या सब लोग जो है एक कॉमन कल्चर को शेयर करते हैं। अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स को बिलोंग करते थे। अब जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर थी जो ऑस्ट्रिया और हंगरी पर रूल कर रही थी, वो अलग अलग क्षेत्रों और लोगों का एक मिक्सचर थी। उसमें एल्पाइन रीजन शामिल थे जैसे ट्रायोल, ऑस्ट्रिया और सडेंटन लैंड, साथ ही साथ बोहेमिया भी थे, जहां पर जो एरिस्टोक्रेसी होती है यानी जो हाई क्लास होती है वो काफी ज्यादा जर्मन बोलने वाली थी। इसके अलावा इटालियन थे जो क्या कहते हैं बोलने वाले लोग थे, इटली जो भाषा है उसकी वो बोलने वाले लोग थे, लोम्बार्डी और वेनिशिया के। हंगरी में जो है आधे से ज्यादा पॉपुलेशन मैग्यार बोलती थी, जबकि आधे से ज्यादा और अलग अलग भाषाएं बोलते थे। इसी तरह से गैलिसिया जो थी वहां पर जो हाई क्लास लोग थे वो पोलिश बोलते थे। अब जहां ये एक तीन प्रभावी ग्रुप थे वहां पर और भी बहुत से लोग जो है इस एम्पायर के अंदर रहते थे। ज्यादातर उसमें से किसान थे जो बोहिमियंस और स्लोवाक्स थे नॉर्थ की साइड, स्लोवेंस जो कैरिनोला में थे या क्रोट साउथ की साइड, और रोमांस जो थे वो ईस्ट में थे ट्रांसिल्वेनिया की साइड। अब ऐसे अगर अलग अलग लोग रहेंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल यूनिटी है या जो राजकीय तौर पे एकता जो है वो आसानी से हम आगे बढ़ा सकते हैं। सबके सब जो आपस में जुड़े हुए थे अलग अलग होने के बावजूद, उनके बीच में जो कॉमन बात थी वो ये थी कि सबके सब जो हैं अपने राजा के प्रति काफी वफादार थे, लॉयल थे। तो फिर सवाल उठता है कि ये जो राष्ट्रीयवाद है या ये जो नेशन स्टेट का आइडिया था, ये कैसे उभरा और कैसे निकल के आया। सोशली या पॉलिटिकली जो हाई क्लास थी वो लोग एक प्रभावशाली क्लास मानी जाती थी इस कॉन्टिनेंट के ऊपर। इस क्लास के जो लोग थे वो सबके सब एक साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि उनका जो लाइफ जीने का तरीका था वो काफी हद तक सिमिलर था, और इसी की वजह से जो रीजनल डिविजन्स थे वो उनके आड़े नहीं आते थे। सबके एस्टेट्स थे कंट्री साइड में यानी गांव की साइड में, और सबके टाउन हाउसेस थे। फ्रेंच भाषा बोलते थे अगर वो कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव काम से जा रहे हैं, या फिर ऊंची सोसाइटी में बात करते थे तो वो फ्रेंच भाषा बोलते थे। उनकी फैमिलीज आपस में जो है एक दूसरे से मैरिज के थ्रू जुड़ी हुई थी। अब ये जो ताकतवर एक हाई क्लास थी, ये नंबर में बहुत छोटी थी यानी बहुत कम थी इनकी संख्या। ज्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो किसान की थी। वेस्ट साइड में जो मैक्सिमम लैंड थी उस पे जो मजदूर होते हैं या जो किराए पे जमीन लेकर काम करते हैं वो करते थे, या बहुत ऐसे कम थे जिनकी छोटी छोटी जमीनें थी। जबकि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो जमीन का कंट्रोल था वो ऐसे था कि बहुत बड़े बड़े एस्टेट्स थे और ज्यादातर उस पर जो है गुलाम काम करते थे। जो वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट थे यूरोप के, वहां जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा था या व्यापार बढ़ रहा था, उसका मतलब था कि जो टाउन्स हैं अब उनकी बढ़त हो रही थी और नई नई कमर्शियल क्लासेस आती जा रही थी जो पूरी तरीके से जिस तरह से मार्केट में प्रोडक्शन हो रहा था उसके ऊपर बेस्ड थी। इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसकी जो शुरुआत थी वो सेकेंड हाफ में हो गई थी 18th सेंचुरी के, जबकि जो फ्रांस और जो बाकी पार्ट्स थे जर्मन स्टेट्स के उनके में शुरुआत हुई 19th सेंचुरी के दौरान। नए नए सोशल ग्रुप्स आने लग गए, जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन थी या जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन थी, अब उसमें जो है इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल्स थे। लेकिन सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में अभी भी इनकी संख्या जो है बहुत कम थी, और ये कम ही रही लेट 19th सेंचुरी तक। जो पढ़े लिखे लोग थे, जो आजाद ख्याल वाले मिडिल क्लास लोग थे, अब उनके बीच में ये आइडिया पनपने लग गया था एक राष्ट्रीय एकता का, जिसमें वो ये चाहते थे कि जो हाई क्लास हैं उनको जो क्या कहते हैं प्रिविलेजेस मिलती हैं, सुविधाएं मिलती हैं, उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। और यही आइडिया जो है काफी ज्यादा अब प्रचलित हो रहा था। अब ये जो विचार था नेशनल यूनिटी का यानी कि राष्ट्रीय एकता का अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप में, उसको हम काफी हद तक लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं जो लिबरलिज्म का आइडियोलॉजी थी, विचारधारा थी उस पर, यानी आजादी की जो विचारधारा थी उसके साथ हम इसको जोड़ सकते हैं।
लिबरलिज्म का मतलब होता है, ये जो है एक लैटिन शब्द है लाइबर, जिसका मींस होता है फ्री, आजाद। जो नई मिडिल क्लासेस थी उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब था आजादी हर इंडिविजुअल की और लॉ के सामने सब लोग बराबर हो। अगर पॉलिटिकली तौर पे इसको देखा जाए तो ये लोग जो हैं जोर दे रहे थे कि हम जिस तरह की गवर्नमेंट चाहते हैं वैसी गवर्नमेंट बने। अब जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था तो जो लिबरलिज्म है उसका मतलब हो गया कि जो तानाशाही है उसको खत्म किया जाए, जो लोगों को सुविधाएं मिलती हैं वो खत्म कर दी जाए, मतलब जो हाई क्लास सुविधाएं मिल रही हैं वो खत्म कर दी जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशन और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाई जाए पार्लियामेंट के थ्रू। 19th सेंचुरी के जो लिबरल्स थे वो ये भी जोर दे रहे थे कि जो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको ना छेड़ा जाए या उसको ना डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन ये जो हम कह रहे थे कि लॉ के सामने सब बराबर हो, इसका मतलब ये नहीं था कि सबको जो है वोट डालने का अधिकार मिल जाए। अगर आपको याद हो तो जब फ्रांस में ये क्रांति हुई थी, जो सबसे पहला पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हुआ था इस तरह की आजादी वाली डेमोक्रेसी में, उसमें जो वोट डालने का अधिकार है या इलेक्ट होने का अधिकार है वो सिर्फ उन लोगों को दिया गया था जिनके पास प्रॉपर्टी थी। जो आदमी लोग जिनके पास प्रॉपर्टी थी सिर्फ उन्हीं को ही वोट डालने का अधिकार था, वही लोग सिर्फ चुनने का अधिकार था या चुने जाने का अधिकार था। जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं थी और जितनी विमेन थी सबको जो है इन पॉलिटिकल राइट से अलग रखा गया था। कुछ समय के लिए जब जेकोबियंस आए थे तब ये हुआ था कि जितने भी बड़े बड़े मेल्स हैं उनको वोट डालने का अधिकार मिलेगा। लेकिन जब नेपोलियनिक कोड आ गया तो उसने क्या किया, फिर से दोबारा राइट टू वोट जो होता है या वोट डालने का अधिकार जो है उसको लिमिटेड कर दिया और विमेन का जो स्टेटस था उसको बहुत कम कर दिया कि मतलब वो अपने फादर और हस्बैंड के ही अंडर में रहेंगी। पूरी 19th और शुरुआत की 20th सेंचुरी के दौरान जो विमेन थी और वो मेन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए ताकि उनको भी जो है बराबर की पॉलिटिकल राइट्स मिल सके। अब अगर इसको इकोनॉमिकली देखा जाए तो लिबरलिज्म यानी ये जो आजादी थी वो किस लिए थी, ताकि जो मार्केट्स हैं उनको आजादी दे दी जाए, जो भी स्टेट के द्वारा रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाए हैं कि जब आप सामान जो है या जो मनी है उसको एक जगह से दूसरी जगह कर ले जाते हो तो उसे स्टेट के द्वारा कुछ कंट्रोल किया गया है उसको खत्म कर दिया जाए। 19th सेंचुरी के दौरान बहुत बड़ी डिमांड उठने लग गई ये मिडिल क्लास से। एग्जाम्पल के तौर पे जो जर्मन बोलने वाले इलाके थे शुरुआत में फर्स्ट हाफ में 19th सेंचुरी के, उनका एग्जाम्पल लेते हैं। नेपोलियन ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स उठाए थे वो उन्होंने बहुत सारे जो अलग अलग सिद्धांत थे एक 39 स्टेट्स के ग्रुप के उसके बेसिस पे लिए थे। अब हर एक की अपनी करेंसी थी, हर एक के अपने वेट्स और मेजर्स के टर्म्स थे। अब एक मर्चेंट यानी जो व्यापारी है अगर वो 1833 में हैमबर्ग से न्यूरमबर्ग जा रहा है अपने सामान को बेचने के लिए तो उसको लगभग 11 कस्टम के बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ता था और हर एक पे कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी 5% की। अब जो ड्यूटीज लगाई गई थी वो जो है वेट और मेजरमेंट जैसा गुड्स का होता था या जो चीजों का होता था उसके बेसिस पे लगाई जाती थी। हर रीजन का अपना सिस्टम था वेट्स और मेजर्स का, इससे क्या होता था बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में टाइम लग जाता था। अब जैसे अगर कपड़े की बात करें, अगर एक कपड़े का हम मेजरमेंट ले तो LA था, यानी कि इसका मतलब है हर रीजन जो है वो अलग अलग लेंथ बताता है। टेक्सटाइल मटेरियल जो है जो फ्रैंकफर्ट में लाया गया वो आपको लगभग 54.7 सेंटीमीटर कपड़ा देगा, मेंस में वही 55.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, न्यूरमबर्ग में वो 65.6 हो जाएगा और फ्रेबर्ग में वो 53.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जो नई नई कमर्शियल क्लासेस आ रही थी वो इस तरह के हालात को एक तरह से हिंड्रेंस मान रही थी इकोनॉमिक एक्सचेंज के लिए भी और साथ ही साथ ग्रोथ के लिए भी, तो उन्होंने जो है डिमांड करनी शुरू कर दी कि एक ऐसी यूनिफाइड जो है इकोनॉमिक टेरिटरी बनाई जाए जहां पर बिना किसी रोक टोक के जो चीजें हैं, लोग हैं या जो मनी है वो आसानी से मूव कर सके। तो 1834 में एक कस्टम यूनियन या जोलवेरवेन कहते हैं उसे, उसे बनाया गया जिसमें पहला कदम जो वो प्रशिया ने उठाया था और फिर बाद में उसको बहुत सारे जर्मन स्टेट्स ने ज्वाइन कर लिया। अब ये जो यूनियन थी इसने सबसे पहले तो ये जो टैरिफ होता है यानी जो कर लगता है बैरियर्स पे हर जगह जो उनको पे करना पड़ रहा था ड्यूटी वो हटा दी गई, साथ ही साथ नंबर जो करेंसीज की थी अब वो 30 से रिड्यूस करके सिर्फ 2 कर दी गई। फिर क्या हुआ, रेलवेज का नेटवर्क डेवलप होने लग गया जिसकी वजह से जो मूवमेंट था वो और ज्यादा आसान हो गया, उससे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे उनको और ज्यादा एक तरह से प्रोग्रेस मिली और ये सब जो है राष्ट्रीय एकता के लिए काम आए।
तो ये जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म आया, इसकी जो लहर आई, इससे जो है नेशनल सेंटीमेंट्स जो है वो उनको और ज्यादा समय के साथ मजबूती मिलने लग गई और वो और ज्यादा डेवलप होने शुरू हो गए। अब जब नेपोलियन 1815 में हार गए तो जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स थी, अब उनमें जो है कंजर्वेटिज्म की जो है एक बीज ने जन्म लेना शुरू कर दिया। मतलब क्या हुआ कि कंजर्वेटिज्म होता है कि एक ऐसे सिद्धांत पे चलना जहां पे आप ट्रेडिशन को ज्यादा जोर दे रहे हो, या आप जो है इंस्टीट्यूशन और कस्टम्स जो क्या कहते हैं अभी बन रहे हैं उनको बहुत तेजी से उनमें बदलाव नहीं चाहते, बल्कि चाहते धीमे धीमे जैसा हो रहा है वैसे होता रहे। तो जो कंजर्वेटिव थे, जो रूढ़िवादी लोग थे, उनका ये मानना था कि जो एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स हैं सोसाइटी के या स्टेट के, जैसे मोनार्की हो गई, चर्च हो गया, ये जो सोशल हायरार्कीज होती हैं फैमिली बेस्ड पे, प्रॉपर्टी हो गई, फैमिली हो गई, इन सबको जो है संरक्षित करके रखना चाहिए। ज्यादातर जो कंजर्वेटिव थे वो ये नहीं मानते थे या ये नहीं चाहते थे कि सोसाइटी जो है फिर दोबारा रिवॉल्यूशनरी से पहले जैसे दिन थे उनमें पहुंच जाए, बल्कि उनको जो है जिस तरह से नेपोलियन ने चेंजेस लाए थे उससे ये एहसास हो गया था कि ये जो आज का मॉडर्न जमाना आ रहा है इससे जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको थोड़ी और मजबूती मिलेगी, जैसे कि मोनार्की है, इससे जो हमारा स्टेट है वो कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाएगा या उसकी जो पावर है वो कहीं ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी और वो काफी स्ट्रांग बन सकता है। एक अच्छी आर्मी हो, एक असरदार जो एडमिनिस्ट्रेशन हो, इकोनॉमी बहुत अच्छी हो, फ्यूडलिज्म यानी जो जमींदारी सिस्टम है उसको खत्म कर दिया जाए या जो गुलामी है उसको खत्म कर दिया जाए, तो उससे जो हमारी ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज हैं यूरोप की उनको काफी ज्यादा ताकत मिलेगी। 1815 में जो यूरोपियन ताकतें थी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जिसमें आ गया ब्रिटेन, रशिया, प्रुशिया और ऑस्ट्रिया, जिन लोगों ने सबने मिल के नेपोलियन को हराया था, वो लोग जो है वियना में मिले ताकि अब यूरोप के ऊपर जो है एक एस्टैब्लिशमेंट की बात हो सके, एक सेटलमेंट की बात कर सके। तो जो कांग्रेस थी उसको जो लीड कर रहे थे वो थे ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। अब ये जो जितने भी डेलीगेट्स थे इन्होंने एक ट्रीटी बनाई वियना की 1815 में, उसमें इन लोगों का क्या पर्पस था कि जो भी जो है नेपोलियन ने या नेपोलियनिक वॉर के दौरान जो भी यूरोप में चेंजेस हुए हैं उनको दोबारा वापस कर दिया जाए। तो जो बोर्बन डायनेस्टी थी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा जो है उसकी तानाशाही जो थी वो छिन गई थी, अब वो उसको दोबारा ताकत मिल गई, या जो फ्रांस था जो भी नेपोलियन ने उन टेरिटरीज पे कब्जा किया था वो सब वो हार गया। बहुत सारे जो हैं सीरीज में स्टेट्स जो हैं वो फ्रांस की बाउंड्रीज पे बनाए जाने लग गए ताकि जो फ्रेंच है यानी जो फ्रांस है उसका बहुत ज्यादा एक्सपेंशन आगे ना हो पाए, उसका विस्तार ना हो पाए। तो जो किंगडम था नीदरलैंड का, जिसमें बेल्जियम भी शामिल था, उसको नॉर्थ पे बसाया गया। जिनेवा जो है उसको पेडमोंट साउथ में ऐड कर दिया गया। प्रुशिया जो है उसको नई नई टेरिटरीज दी गई वेस्टर्न फ्रंटियर पे, जबकि ऑस्ट्रिया जो है उसको नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दे दिया गया। लेकिन ये जो जर्मन कॉन्फेडरेशन बनी थी 39 स्टेट्स की, जो कि नेपोलियन वाला द्वारा बनाई गई थी, इसको किसी ने नहीं छुआ। ईस्ट साइड में रशिया जो है उसको कुछ हिस्सा दे दिया गया पोलैंड का, जबकि जो प्रुशिया थी उसको कुछ पोर्शन दिया सैक्सोनी का। जो मेन उनका इंटेंशन थी, इरादा था, वो ये था कि जितने भी तानाशाही हैं उनको जो है जो नेपोलियन ने हटा दिए थे उनको दोबारा जो है बसाया जाए और एक फिर से नया कंजर्वेटिव ऑर्डर जो है यूरोप में लाया जाए। अब जो भी कंजर्वेटिव रेजिमीज बनाई गई 1815 में वो सब की सब ऑटोक्रेटिक थी, यानी निरंकुश राज्य वाली थी, सारा का सारा पावर उनके पास थी। वो ना तो अपने लिए आलोचना बर्दाश्त कर सकती थी, ना हमारे कोई अगेंस्ट चाहे, और जो भी लोग इसके ऊपर सवाल उठाते थे या जो उनकी गवर्नमेंट्स हैं उनकी लेजिटिमेसी उनकी बातों पे जो है सवाल उठाते थे उसको एक्टिविटीज को दबा दिया जाता था। ज्यादातर जो है सेंसरशिप लॉज ला दी गई ताकि जो कुछ भी न्यूज़पेपर में छप रहा है, बुक्स में लिखा जा रहा है, नाटकों या सॉन्ग्स के द्वारा बताया जा रहा है या उसमें लिबर्टी और फ्रीडम के जो विचार हैं वो झलक रहे हैं, तो उनको जो है पूरी तरीके से, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड थे, उनको जो है पूरी तरह से दबा दिया जाता था या रोक दिया जाता था। अब ये जो यादें थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, अब इससे जो है जो लिबरल्स थे वो बहुत ज्यादा इंस्पायर नहीं हो पा रहे थे। सबसे बड़ा मुद्दा जो लिबरल नेशनलिस्ट द्वारा उठाया गया, उन्होंने जो है जो नया कंजर्वेटिव ऑर्डर आया था उसकी आलोचना करी, वो था फ्रीडम ऑफ प्रेस का, यानी कि जो प्रेस है उसको पूरी तरह से फ्री किया जाए। 1815 के बाद के जो साल थे उसमें जो बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट थे वो जो है इस डर से कि उनको दबा दिया जाएगा, वो लोग सबके सब अंडरग्राउंड हो गए। नई नई जो सीक्रेट सोसाइटीज हैं अब वो बहुत सारे यूरोपियन स्टेट्स में बनने लग गई थी ताकि जो उनके क्रांतिकारी हैं उनको जो है ट्रेन किया जा सके और उनके आइडियाज को और ज्यादा आगे फैलाया जा सके।
इस समय क्रांतिकारी होने का मतलब था कि जो तानाशाही गवर्नमेंट्स हैं आप उनका एक तरह से विरोध कर रहे हैं। और ये जो तानाशाही गवर्नमेंट थी ये तब बनी थी जब वेना कांग्रेस जो है उसको मतलब तानाशाही गवर्नमेंट को बनाई तब गया था वेना कांग्रेस के बाद, और इन लोगों को जो है अपनी आजादी के लिए और लिबर्टी के लिए लड़ना पड़ा था। ज्यादातर जो रिवॉल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, वो ये देख रहे थे कि ये जो नेशन स्टेट्स हैं इनका बनना बहुत जरूरी है, अगर इनको अपने जो फ्रीडम है उसके लिए स्ट्रगल करना है तो ये नेशन स्टेट्स का बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही एक इटालियन क्रांतिकारी थे ग्यूसिपी मेजिनी, इनका जन्म जो है जिनेवा में हुआ था 1807 में, और ये जो है सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बन गए थे कार्बोनरी के। जब ये 24 साल की इनकी उम्र थी तब इनको जो है एक तरह से देश निकाला दे दिया गया था 1831 में, क्योंकि इन्होंने जो है एक आंदोलन कर दिया था लिगुरिया में। वहां जब ये पहुंचे तो इनको और दो अंडरग्राउंड सोसाइटीज मिल गई, पहली थी यंग इटली इन मार्सेल्स में और दूसरी थी यंग यूरोप बर्ने में, जिसके मेंबर्स जो थे उनका बिल्कुल काफी हद तक विचार मिलते जुलते थे, जैसे यंग मैन फ्रॉम पोलैंड होते हैं, फ्रांस, इटली या जर्मन स्टेट्स के थे, उन्हीं से विचार इनके भी मिलते जुलते थे। मेजिनी का ये मानना था कि जो भगवान है उन्होंने जो है ये नेशंस इसीलिए बनाए हैं ताकि जो मैनकाइंड है वो सही से रह सके। तो इटली को जो है अब वो एक पैचवर्क की तरह नहीं रहना चाहिए कि उसमें छोटे छोटे स्टेट्स हैं या राज्य हैं, अब उसको एक सिंगल बड़ी सी यूनिफाइड रिपब्लिक बन जाना चाहिए जिसमें बहुत सारे नेशंस उसके साथ हो या उसके अंडर आते हो। अगर इटालियन लिबर्टी चाहते हो तो ये जो एकता है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर इसी मॉडल को ध्यान में रखते हुए सोसाइटीज जो सीक्रेट सोसाइटी थी अब वो जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी बना दी गई। जिस तरह से मेजिनी जो है वो तानाशाही का विरोध कर रहे थे और जिस तरह से उनका एक सपना था, एक विजन था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को लेकर, उससे जो ये कंजर्वेटिव लोग थे ये काफी ज्यादा घबरा गए। जो मेटानिक थे वो उनको डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि सोशल ऑर्डर के हिसाब से ये सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन थे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 से 1848 तक, ये हम करेंगे इसके बारे में डिस्कस अगले टॉपिक में।